अगर अब आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सामान्य ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान से एवं अपने हौसले के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके इसी प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। गांधी इरविन समझौता 29 मार्च 1931 को महात्मा गांधी व वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसकी निम्न शर्तें थीं। फर्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए सहमत हुई। सेकंड, महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेंगे। थर्ड, सभी राजनीतिक बंदी जिनके विरुद्ध हत्या हिंसा के आरोप नहीं थे मुक्त कर दिए जाएंगे। फोर्थ, विदेशी वस्त्रों शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। फिफ्थ, समुद्री तटीय क्षेत्रों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति प्रदान की गई। समझौते के 5 दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जा चुकी थी। गांधी जी ने इन्हें बचाने की कोशिश की मगर असफल रहे। इस कारण गांधी जी की आलोचना भी की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को 13 जनवरी 1931 लंदन में आयोजित किया गया था। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों का बराबर का दर्जा प्रदान किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीति दलों के, शेष 76 भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम आर जयंकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुरेंद्र सिंह मजीठिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित रहा। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वह देशद्रोही फकीर यानी गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के संबंध में कहा था, अर्धनग्न फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य था। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी निराश होकर बंबई वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने वायसराय विलिंगटन से मिलना चाहा, परंतु वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने गांधी इरविन समझौते को भी दफन कर दिया। अतः विवश होकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकारी दमन चक्र तेज हो गया। सभी शीर्ष नेता बंदी बना लिए गए। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित हो गई और उसकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली गई। प्रदर्शनकारी सत्याग्रही आंदोलनकारियों की जमकर पिटाई की जाने लगी। कर अदा न करने वालों के घर नीलाम कर दिए गए। लगभग 90,000 आंदोलनकारी स्त्री पुरुष जेल भेजे गए। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। सांप्रदायिक पंचाट यानी पुनः समझौता। 16 अगस्त 1932 को
विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मुग डोनाल्ड ने एक पंचांट जिसे कम्युनल एवार्ड कहा गया। इस पंचांट में पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए पृथक पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन आरंभ किया। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी के संबंध में कहा था, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। मदन मोहन मालवीय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से गांधी जी ने 5 दिन उपरांत 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉ. भीमराव अंबेडकर में पूना समझौता संपन्न कराया। पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित हुई। केंद्रीय विधान मंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हुई। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और अपने को अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन से संबद्ध कर लिया। 8 मई 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रति देश से अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से जल में शुद्धि के लिए 21 दिन के उपवास को प्रारंभ किए। उपवास प्रारंभ होने के शीघ्र बाद सरकार ने गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया। महात्मा गांधी ने मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपने को सक्रिय राजनीति से अलग कर हरिजन उत्थान से संबंध रख लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित यह सम्मेलन लंदन में एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें 46 प्रतिनिधियों की भागीदारी थी। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम स्वरूप दिया गया था।